इंडिया के लीडिंग हाइड्रोलॉजिस्ट कौन थे वो? डीडीसी है सर, डॉक्टर होर्स करके बोल के। डॉक्टर होर्स? यस सर, वो डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट है वो। हाँ हाँ, वो काफी जगह कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अच्छा, ये बीच में कुछ 309 मीटर का जो पैचेस था, एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट में आ गया था। दोनों प्लेट्स एक्टिव थी, तो वो बीच का जो स्ट्रेटा था वो सॉलिड नहीं था। अच्छा, उसको फिर एक्सकेवेट करने में, उसको ट्रीटमेंट देने में काफी टेक्नोलॉजी की आस्था आस्ता करके सुविधा, तो उसको बड़ा प्रोटेक्शन से जाना पड़ा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो ओवरबर्डन काफी है, 300 मीटर के ऊपर। नहीं, प्रॉब्लम क्या, वाटर नहीं रुक पा रहा था? वाटर नहीं, वो स्ट्रेटा ही स्टेबल नहीं है। पानी तो है ही इटसेल्फ, जब पानी क्या है सर, ड्यू टू दिस थ्रस्ट नो सर, स्ट्रेटा इज हाईली शियर्ड एंड फ्रैक्चर्ड। तो इसमें क्या है, थोड़ा जगह जगह पे पानी रुकता है, हम किधर एक्सप्रेशन करते हैं वाटर में, क्या है पानी के साथ ये पूरा मटेरियल आता है, तो पहले क्या है वो पानी को रोकना पड़ता है, फिर वो स्टार्टर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। पानी नहीं तो भी ऐसे फोड़ जैसा गिरता है, ये गिरता है, तो स्टैंड अप टाइम ही नहीं। बीच में थिकनेस कितनी है उसकी? वो ओवरबर्डन अराउंड 360 मीटर ऊपर है सर। 360 मीटर सर, और दोनों जो थ्रस्ट प्लेट है उसके बीच में भी 360 मीटर का ही गैप है? वो नहीं है, उसके बीच में अराउंड इसका थ्रस्ट का विड्थ आता है सर, अराउंड 250 मीटर दैट वन। ओके, विड्थ? विड्थ तो ये क्या है, अराउंड 2000 किलोमीटर ऊपर कांडहार से बर्मा तक एक्सटेंडेड है। कांडहार से बर्मा तक ये स्ट्रेच ऐसे है, ये स्ट्रेच ऐसा है। ओह माय गॉड, इतना लंबा ये थ्रस्ट प्लेट है। तो आइए अब कंगी में चलते हैं। ये वो एरिया है जो थ्रस्ट बेड के बीच में है। थ्रस्ट बेड यानी यहाँ पे विड्थ इसकी 309 मीटर लंबाई में है, और लेफ्ट साइड में दिख रहा है पूरा ही क्रस्ट मटेरियल है, जिसको कि पॉलीयूरेथेन फोम से स्टेबलाइज किया गया है। जिस जगह पे गुजर रहे हैं यहाँ पे स्टील रिप से इसको सपोर्ट किया गया है, लेकिन इतने स्टेबलाइजेशन और स्टील रिप से सपोर्ट करने के बाद में भी पूरी तेज़ी से पानी अभी भी बह रहा है, जिसको कि PU फोम से स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है उस जगह पे PU फोम से और भी ज़्यादा ढंग से इसको डेंसली स्टेबलाइज किया गया है। और आगे अभी वहाँ पे चलते हैं जहाँ तक कि ये एरिया बचा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एरिया सबसे पहले इसमें PU फोम से ही स्टेबलाइज करते हैं एक टनल के आकार का, और उसके बाद में फिर उसमें शॉर्टक्रीट करते हैं, और उसके बाद लाइनिंग करते हैं। ये आ गया आगे लाइनिंग वाला एरिया जहाँ स्टेबलाइज। इस पॉइंट तक दूसरे एंड से लाइनिंग लग गई, देखो